सो हेलो पोकेमॉन फैंस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, कॉज ऐसा वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले कभी भी नहीं डाला है। सो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बेसिकली एक तरह का क्विज होने वाला है जिसमें मेरे कुछ सवाल होंगे, अलग अलग राउंड में डिवाइडेड होंगे और हर सवाल के लिए कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सो बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को ऐड करके जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो अपने पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में डालेगा, एंड जिसका भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बाद में ऐड करने पे आएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा और वो अपने आप को ऐश का एक सच्चा पोकेमॉन फैन कह सकते हैं, क्योंकि उनको ऐश के बारे में ये सारी बातें पता होंगी। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई चीटिंग मत करिएगा। चीटिंग करके फिर कोई फ़ायदा नहीं है, गेम का कोई मज़ा नहीं आएगा। अपने आप को इवैल्यूएट करिए और जो सही है वही कमेंट में लिखिएगा। एंड हाँ, ये वीडियो का पार्ट वन है, तो अगर इस तरह की वीडियोज़ का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ट्राई करूंगा ऐसे और वीडियोस लाने के लिए। कॉज क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट हाँ ऐसे वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड कर सकता हूँ। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए देखते हैं रूल्स क्या है और एंड बाकी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास टोटल 3 राउंड होने वाले हैं, जिसमें राउंड वन होगा हमारा 5 क्वेश्चन, राउंड टू 5 क्वेश्चन एंड राउंड थ्री 5 क्वेश्चन। राउंड वन कंटेनिंग ऑफ 5 क्वेश्चन 20 पॉइंट्स, राउंड टू कंटेनिंग 5 क्वेश्चन 30 पॉइंट्स एंड राउंड थ्री कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस 50 पॉइंट्स। सो बेसिकली टोटल 3 राउंड होने वाले हैं एंड टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी 100 पॉइंट्स। अब जो इन 100 पॉइंट्स में से मैक्सिमम स्कोर करेगा वो अपने पॉइंट्स को बेसिकली कमेंट सेक्शन में लिखेगा, अलॉन्ग विथ उसने किस राउंड में किस किस सवाल का सही जवाब दिया था। एंड प्लीज़ आई एम ट्रस्टिंग यू ऑल, सो प्लीज़ कोई चीटिंग मत करना। बेसिकली पहला राउंड होने वाला है हमारा ईजी राउंड, सेकेंड राउंड मीडियम एंड थर्ड एज वी ऑल नो गोज विथ हार्ट। सो हमारा राउंड वन का पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐश मदर, और आपके पास 5 सेकेंड होंगे जवाब देने के एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम खत्म। एंड ऐश के मॉम का नाम है डेलिया केचम। एंड या जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाएगी। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच पोकेमॉन ऐश कॉट आफ्टर पिकाचू, एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड समय खत्म। सही जवाब है कैटरपी। नाउ अब नेक्स्ट सवाल, बिफोर रिसीविंग पिकाचू विच स्टार्टर पोकेमॉन ऐश एक्चुअली वॉन्टेड, मतलब पिकाचू के मिलने से पहले ऐश को एक्चुअली में जो 3 स्टार्टर पोकेमॉन से या 4 स्टार्टर जो भी पोकेमॉन थे उनमें से ऐश को कौन सा पोकेमॉन चाहिए था, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम खत्म। एंड आंसर है बल्बसौर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द नेम ऑफ न्यू प्रोटैगनिस्ट विच आर रिप्लेसिंग ऐश केचम इन द करेंट ऑनगोइंग एनिमे, एंड आपका समय शुरू होता है अब। टाइम खत्म। एंड सही जवाब है लीको एंड रॉय। नाउ इस राउंड का फाइनल एंड आखिरी सवाल जो कि है, विच पोकेमॉन डिड ऐश ट्राई टू ट्रेड फॉर हिज बटरफ्री, मतलब किस पोकेमॉन के लिए ऐश अपनी बटरफ्री को ट्रेड करता है, एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। एंड द आंसर इज रेटिकेट। इसी के साथ हमारा इजी मीडियम का राउंड खत्म होता है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर राउंड टू। राउंड टू मीडियम लेवल 30 पॉइंट्स ईच क्वेश्चंस। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच पोकेमॉन डिड एज रिलीज्ड एंड लेटर रीयूनाइटेड विद द फाइनल एपिसोड ऑफ पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज, मतलब किस पोकेमॉन को ऐश ने रिलीज किया था एंड लास्ट में जब पोकेमॉन की अल्टीमेट जर्नीज खत्म होने वाली होती है तो सबसे लास्ट रियूनियन हुआ था ऐश का वो किस पोकेमॉन से हुआ था, एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म। एंड द आंसर इज बटरफ्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द नेम ऑफ द आइकॉनिक पोकेमॉन थीम सॉन्ग दैट इज बेस्ड ऑन ऐश विच एस्पायर्स टू बिलीव, विच मीन्स उस आइकॉनिक पोकेमॉन थीम सॉन्ग का नाम बताइए जिस पे ऐश की जर्नी डिपेंड करती है, ऐश का जो मकसद था उस पे डिपेंड करता है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम
टाइम खत्म एंड द आंसर इज एम टू बी अ पोकेमॉन मास्टर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनदर एश पोकेमॉन हु लैंडेड अ डायरेक्ट हिट ऑन अ मिथिकल पोकेमॉन अदर देन सेप्टाइल इन होएन रीजन. एंड आपका टाइम शुरू होता है अब. टाइम खत्म एंड द आंसर इज स्वेलो. जब सेप्टाइल की फाइट होती है डिऑक्सिस से तो आफ्टर सेप्टाइल स्वेलो वाज द वनली पोकेमॉन हु सक्सेसफुली लैंडेड अ हिट अ डायरेक्ट एरियल एज ऑन डिऑक्सिस. नाउ फॉर द नंबर फोर क्वेश्चन, इन द राइवल्स ऑफ एस विच वाज द ट्रेनर हु डिडंट हैड एनी फिनोमिनन बट स्टिल हैड वन ऑफ द हाइएस्ट बेस्ट स्टैट ऑफ दैट पोकेमॉन. मतलब एश के सारे राइवल्स में से कौन सा ऐसा राइवल है जिसका जिसके पास एक पोकेमॉन था जिसके पास कोई भी फिनोमिनन नहीं था बट उसके बावजूद भी उसके बेस्ट स्टैट वन ऑफ द हाईएस्ट थे. एंड आपका समय शुरू होता है अब. टाइम खत्म एंड द आंसर इज सॉयर एंड उसका पोकेमॉन स्लेकिंग जिसका बेस स्टैट है टोटल 670. एंड फॉर द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, विच इज नाउ विच लेजेंडरी पोकेमॉन हैज द हाईएस्ट बेस स्टैट इन टोटल इन होल पोकेमॉन एनिमे एज ऑफ नाउ. एंड आपका टाइम शुरू होता है अब. टाइम खत्म एंड द आंसर इज इटर्नेटस विद द बेस स्टैट ऑफ 690 एज द वनली लेजेंडरी पोकेमॉन. एंड आफ्टर डायनामैक्सिंग टर्नामैक्स इटर्नेटस हिज बेस स्टैट इज जस्ट ह्यूज विच इज 1125. नाउ कमिंग टू दी हार्ड क्वेश्चन नाउ विच कंसिस्ट ऑफ 50 पॉइंट्स. अगर आपने अभी तक अच्छा स्कोर नहीं किया था तो निराश मत होइएगा कॉज हार्ड क्वेश्चन आपको 50 पॉइंट्स दिला सकते हैं. सो ट्राई कीजिए इसमें बेस्ट करने का. सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. विच पोकेमॉन ऑफ जेन 1 इज सिमिलर टू हुपान बाउंड अपार्ट फ्रॉम टाइपिंग. इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा पोकेमॉन है जो हुपान बाउंड से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है टाइपिंग को छोड़ के इन जेन 1. कहने का मतलब उसका टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है. मतलब जैसे हुपान बाउंड एक घोस्ट टाइप था तो घोस्ट टाइप आपको नहीं लेना है. उसको छोड़ के कोई ऐसी और ऐसी सिमिलरिटी बताइए जो उन दोनों पोकेमॉन में कॉमन है इन जेन 1. एंड आपका टाइम शुरू होता है अब. टाइम खत्म एंड द आंसर इज गैराडॉस. और इन दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है जो कि है 6.5 मीटर जो कि होता है 21.04 या 21.39 फुट या जो भी बोलते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इन गलार रीजन व्हेन एश केम टू मीट देयर पोकेमॉन्स विच पोकेमॉन डिडंट शोड अ यूनिक थिंग. विच मींस जब एश गलार में अपने पोकेमॉन से मिलने आता है प्रोफेसर ओक्स की लैब में तब उनमें से कोई एक पोकेमॉन होता है जो एश के साथ वैसा बिहेव नहीं करता है जैसा वो हर बार करता है जब भी वो एश से मिलता है. एंड आपका टाइम शुरू होता है अब. टाइम खत्म एंड द आंसर इज चारिजार्ड. चारिजार्ड ने पहली बार ऐसा किया कि वह ऐश से गलार में मिला बट उसके चेहरे को नहीं जला अपने फ्लेम थ्रोअर से. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऐश पोकेमॉन वी सॉ द बैक स्टोरी ऑफ इन द फिनाले ऑफ 12 स्पेशल एपिसोड ऑफ इवॉल्विंग. विच मीन्स That कौन सा ऐसा एस का पोकेमॉन है जिसको हमने इवॉल्व होते हुए काइंड ऑफ बैक स्टोरी के तौर पे हमने देखा था इन दी 12 स्पेशल एपिसोड ऑफ पोकेमॉन. एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम खत्म एंड द आंसर इज पिकाचू जो पीचू से पिकाचू में इवॉल्व होता है इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोकेमॉन 12 स्पेशल एपिसोड. नाउ फॉर द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम एस Who was another Ash travel companion who tried to catch Pikachu in his very starting of new journey? Which means, कौन सा ऐसा companion है Ash का जो अपनी starting के journey में ही Ash के Pikachu को try करता है catch करने का. Obviously नहीं catch कर पाता है but try करता है. And आपका time start होता है अब. Time खत्म and the answer is Dawn. इन सीनो जर्नीज एपिसोड 1. क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द वनली पोकेमॉन इन द वर्ल्ड विच डजंट हैव एनी वीकनेस. कौन सा ऐसा पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में जिसका कोई भी वीकनेस नहीं है.
एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और हाँ, इसमें RCS नहीं इंक्लूडेड है, और ऑब्वियसली वक्त अपना कोई भी प्लेट चेंज करेगा भी तो भी उसका कोई ना कोई एक वीकनेस होगा, बट इस पोकेमोन का कोई भी वीकनेस नहीं है ड्यू टू अ स्पेसिफिक रीजन, वो आपको बताना है। एंड हाँ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म। एंड द आंसर इज इलेक्ट्रॉस, विच इज एन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन हु इज वीक टू ग्राउंड टाइप, बट ड्यू टू हिज एबिलिटी लेविटेट ही बिकम्स इम्यून टू ग्राउंड टाइप, सो दैट्स वाई He is the only Pokemon who doesn't have any weakness. And इसी के साथ हमारा पूरा 3 राउंड खत्म होता है। And I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब अपने अपने पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में डालिए। Let's see किसके कितने पॉइंट्स होते हैं and collectively किसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। मैं उनको पिन भी करूँगा and next वीडियो में shout out भी। And don't forget to stay tuned in the community section, वहीं पे सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी and हमेशा मिलती रहेंगी। And don't forget to like, share and subscribe my channel फॉर मोर अमेजिंग कॉन्टेंट। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा विथ मोर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।